यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो गेमिंग विद आइडिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में BRN के टॉप 10 हिडन प्लेसेस लेके आ गया हूँ, क्योंकि BRN का न्यू सीजन आया है और सभी की इच्छा है ग्रैंड मास्टर जाने। तो बस आपके पास टाइम होना चाहिए, बाकी माइनस एक गेम में भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप मेरी खुद की प्रोफाइल देखो, 3 स्टार लगा लिए लगभग 40 गेम में, मतलब कितनी एक भी गेम में माइनस नहीं करी है, इससे पता चलता है। और जिसको भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना है, तो मेंबरशिप वाली बात को साइड में करते हैं। जो मेरी 3 वीडियो में फर्स्ट कमेंट करेगा उसको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट में लूंगा। वैसे मेरी वीडियो डालने का टाइमिंग 4 PM है, लेकिन किस दिन डालता हूँ ये किसी को नहीं पता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 10, अपनी वर्क करने वाली पिक के नीचे के साइड में, और इधर आपको एक मिनी लॉन्च पैड की हेल्प लगेगी। तो मिनी लॉन्च पैड आपको ड्रॉप में मिल जाता है, इसके अलावा एक लोड आउट में भी मिलता है। कौन से लोड आउट में मिलता है मुझे आप कमेंट करके बताना, ताकि बाकी बंदों की भी हेल्प हो सके। बस मिनी लॉन्च पैड लॉन्च करके आपको इधर आ जाना, और यहाँ पे अगर आप आ गए तो टॉप 10 तो इजी आप सर्वाइव कर सकते हो। स्क्वाड सोलो डुओ कुछ भी हो, लेकिन आप सर्वाइव कर लो। और मेरे ही टीममेट ने एक ग्लू वॉल भी कुछ ऐसी लगा दी थी, वैसे ट्रिक मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। ग्लू वॉल लगा के आप ऊपर भी आ सकते हो, और इसके ऊपर आप खुद बताओ, आप कभी BR नहीं खेलते हो तो ऊपर देखते हो नहीं देखते हो ना, तो आपको भी कोई क्यों देखेगा। तो बस आप ऊपर सर्वाइव भी कर सकते हो, साथ में बहुत सारे किल भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतनी हाइट का एडवांटेज लेके आप पूरी टीम वाइप आउट कर सकते हो। जैसे एक को मैंने कर दिया, सामने एक और बंदा दिखा, चलो इसकी भी टीम वाइप आउट हो चुकी है, लगातार 2 टीम वाइप आउट हो चुके, लेकिन यहाँ सामने एक और बंदा दिखा है, इसको 150 तो मारा, चलो एक गोली का और बचा। और भाई कार 98 का जो स्वाद है ना भाई, मजा आ जाता है। मेरी फेवरेट गन है, वैसे कार 98 मिलती बहुत कम है, इसलिए मैं चलाता नहीं हूँ। चलो इसी के साथ मेरा भुइया भी हो चुका है ऊपर बैठे बैठे, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर देना। ट्रिक नंबर 9, अपनी वर्क करने वाली बीमा शक्ति पे, और इसके लिए आपको एक मिनी लॉन्च पैड और एक ग्लोअल की हेल्प लगेगी। तो मिनी लॉन्च पैड कौन से लोड आउट में मिलता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको एक सीक्रेट क्लू में मिलता है, तो आपको यूज कर लेना है, एक ग्लोअल को जैसे सेट कर देना है, उसके बाद आपको पीछे आना है, और यहाँ कहीं पर भी आपको एक मिनी लॉन्च पैड सेट कर देना है। चलो यहाँ पे सेट कर देते हैं, और ये मिनी लॉन्च पैड को एकदम परफेक्ट यूज कर लेना है, इस ग्लोअल के ऊपर टक्कर मारना है, उसके बाद आपको टक्कर खा के इस वाले बैनर के ऊपर आ जाओगे, और यहाँ पर आके इतने ज्यादा किल बनेंगे ना कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सामने ही वेंडिंग मशीन है, और ये वाली वेंडिंग मशीन सबसे ज्यादा यूज होती है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली में से ये वाली वेंडिंग मशीन भी है। और यहाँ पे आप लेट के आराम से सर्वाइव भी कर सकते हो, और यहाँ पे अगर सर्वाइव करते करते आपको कोई बंदा दिख गया दिल पे जाते हुए रिवाइव करने, जैसे ये जा रहा था, चलो इसको भी निपटा दिया, चलो नेक्स्ट सिक्योर की ओर चलते हैं। हाँ, तो ट्रिक नंबर 8, अपनी वर्क करने वाले सेंटोसा पे, और इस ब्रिज के सामने आ जाना है, और ये वाली ट्रिक देख के आपको पुरानी ट्रिकों की याद होना आ जाएगी, मतलब आप पहले कैसी ऐसी ट्रिक यूज करते थे। एकदम पुरानी वाली ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब पुरानी है नहीं, लेकिन पुरानी जैसी ट्रिक है। आपको करना क्या है, बस इधर आ जाना है, थोड़ा सा और नीचे आ जाना, मैं उधर गलत चले गया था, इधर आ जाना है। वैसे ये वाली ट्रिक जब भी यूज करना है, जैसे कि आपको कुछ काम आ गया हो या कुछ ज्यादा ही खतरनाक, पूरी स्क्वाड आपकी वाइप आउट हो चुकी है, आप अकेले बचे हो, सोलो डेयर लेके भी बैठ सकते हो, यहाँ पे मत बैठना, इससे भी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा और नीचे आ जाना, और यहाँ पर आपको छोटी सी जगह देखने को मिलेगी, यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो कोई बंदा आने नहीं वाला है, यहाँ पे आपको कोई ढूंढेगा नहीं, पीछे से देख लो कहाँ पे जगह, कुछ जगह नहीं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शायद शेयर कर दो यार, वो भी पता नहीं इस ट्रिक को देख के ऑनलाइन आ जाए। ट्रिक नंबर 7, अपनी वर्क करने वाली बीमा शक्ति और पिक के बीच में ही आपको इधर एक ट्रक देखने को मिलेगा, इधर आपको एक पोर्टल लेके आ जाना है। तो पोर्टल को आपको कैसे सेट करना है, अगर आपने ये पोर्टल सेट कर लिया तो अंदर जाके फायर मत करना, वरना आपकी आईडी के 0 गोल्ड भी हो जाएंगे और आप एलिमिनेट भी हो जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो राइट साइड के कॉर्नर पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, उस वाली वीडियो में मेरे साथ हुआ था, आप जाके देख लेना, लेकिन मेरे गोल्ड वापस भी आ गए थे, उसकी भी ट्रिक मैंने उसमें बताई थी। लेकिन अभी मत जाना, ये वाली वीडियो को पूरी कंप्लीट देख के चले जाओ, उसके बाद वापस इसी वाली टाइम पे आके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे से आपको जब भी बताओ बंदे मारना है, तो आपको इस वाले रख से बाहर निकल के आप फायर करके वापस जा सकते हो। इसी बात पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। हाँ, तो ट्रिक नंबर 6, अपनी वर्क करने वाली फैक्ट्री पे, और ये सबकी फेवरेट ट्रिक होने वाली है, क्योंकि मिनी लॉन्च पैड जो सबके पास होता है लेकिन किसी को चिमनी पे सेट करते नहीं आता, तो आपको एक लॉन्च पैड को जैसे सेट कर देना है, और एकदम परफेक्ट सेट करके आप इधर आ जाओगे, और इस चिमनी के ऊपर अगर आप चढ़ गए तो भाई इतने किल मिलेंगे, तो आपको पता ही है, जब भी तो आप इधर कोशिश करते हो लेकिन आप कभी आ नहीं पाते हो, लेकिन आपको सिखा दिया है तो आपसे आ जाना। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे सर्वाइव करना तो बहुत ही ईजी बात है, क्योंकि आप लेट भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे सामने दिल भी, और एक को भी नॉक कर दिया, चलो इसको फिनिश करते हैं और नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 5, अपनी वर्क करने वाली पिक के नीचे के साइड
साइड में आपको एक वेंडिंग मशीन मिलती है ना, ये पिंक वेंडिंग मशीन है, पीछे वाली वेंडिंग मशीन है। और ये वाली ट्रिक बिल्कुल मेरे को पता नहीं थी, मेरा दोस्त पोर्टल भी दे रहा है और ये ट्रिक भी बता रहा था। मतलब ये ट्रिक इतनी पसंद आ गई ना मेरे को कि मतलब क्या ही बोलूं, अगर यहाँ पे बैठे बैठे आप सर्वाइव करोगे तो आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। और एक मेरा छोटा सा डाउट है, कोई मतलब प्रो प्लेयर हो जो मुझे बता सकता है, डाउट क्लियर कर सकता है। मान लो अगर मैं तुम्हें सोलो डेल लेके अगर मैं इधर बैठ गया और अगर कोई एनीवी पोर्टल यूज करके इधर आके मेरे को मारेगा तो उसको फेक डैमेज पड़ेगा, मतलब मेरे को फेक डैमेज पड़ेगा और मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? अगर मैं मर गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा मेरे को फायर करके, क्या होगा मुझे आप कमेंट में बताना। ये वाला राउंड तो मैंने भुया कर लिया, चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 4 अपनी वर्क करने वाली है मार्स इलेक्ट्रिक पे। बहुत देर से आपको लॉन्च पैड और पोर्टल की ट्रिक बता रहे थे, चलो एक विदाउट लॉन्च पैड और पोर्टल की देख लो। बस ग्लू वॉल आपको बीच में सेट कर देना एकदम इसके और बतो घर के बीच में, और दूसरा ग्लू वॉल कुछ इससे लगा देना है, ज्यादा ऊपर मत कर देना, और तीसरा ग्लू वॉल थोड़ा सा और ऊपर करके इधर लगा देना है। उसके बाद आपको थोड़ा इस साइड आ जाना है, अरे थोड़ा क्या पूरे इस साइड आ जाना है, और सामने एक टायर देखने को मिलेगा, बस इस टायर के ऊपर जंप कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद ये सामने ग्लू वॉल लगाया था, बस एक लंबी सी जंप करके आपको इधर आ जाना है, और सामने एक और इस टावर के ऊपर भी जंप करके आप इधर आ जाओगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे ग्लू वॉल ऊपर लगा दिया, लेकिन नहीं, बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा जंप करके आप इस ग्लू वॉल के ऊपर जंप कर सकते हो। इस वाले ग्लू वॉल पे ऊपर आने के बाद एक और ग्लू वॉल कुछ ऐसा सेट कर देना है, और यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर चढ़ जाओ। और ये किल करने की जगह नहीं, यहाँ पे सर्वाइव बहुत बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि आपको इधर लेफ्ट और राइट दोनों के साइड में कवर देखने को मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात यही है। और सिंपल से आप निकल भी सकते हो, मैंने तो मॉन्स्टर ट्रक ले लिया, चलो निकलते इधर से। और अगर लाइक नहीं कर रहा तो भाई लाइक कर दो, चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 अपनी वर्क करने वाली है पिक के नीचे के साइड में, आपको ये वाला एल शेप मिल जाएगा। बस इधर आके आपको एक पोर्टल और दो ग्लू वॉल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे को इधर टोटल 3 ग्लू वॉल लगाना पड़ता है, क्योंकि मैंने गलती से थोड़ा सा ग्लू वॉल गलत लगा दिया था। बस 3 ग्लू वॉल ऐसे लगाना है, और इसमें आपको एक बहुत बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा, आप समझ जाओगे। अभी रुको तो सही, बस इस वाले ग्लू वॉल के ऊपर जंप करके आपको इधर आ जाना है, और इधर एक पोर्टल सेट कर देना है। और मैं इतना ऊपर चढ़ने के पोर्टल क्यों सेट कर, आपको समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? देखो कभी कोई आपके पीछे पीछे पोर्टल से आ जाता है, लेकिन अगर आप पोर्टल यहाँ पर लगाओगे तो भाई शायद ही कोई बंदा यहाँ पे आ सके, शायद आएगा ही नहीं। इतना कोद मगजमारी करेगा कि ऊपर चढ़ेगा फिर पोर्टल यूज करेगा, इससे अच्छा तो वो नीचे से मर जाएगा लेकिन आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 अपनी वर्क करने वाली है क्लॉक टावर पे, और ये वाली ट्रिक इतनी जबरदस्त होने वाली है, मतलब किल तो भरपूर मिलने वाले है। आपको बस एक ग्लू वॉल कुछ ऐसे लगा देना है, दूसरा थोड़ा और ऊपर लगा देना है। वैसे दो ग्लू वॉल में चढ़ सकते हैं, लेकिन ग्लू वॉल बीआर में तो बनता रहता है, तो क्या दिक्कत है, तो मैंने तीसरा भी लगा दिया था। बस आपको इस साइड आ जाना, और इधर से आपको डायरेक्ट विंडो के ऊपर जंप कर देना, वरना उस साइड से भी आ सकते हो, वरना मेरे टीममेट जैसे आप गिर जाओगे। बस इस विंडो के ऊपर चढ़ना है, देन इसकी ग्लू वॉल के ऊपर जंप करके आप इधर आ जाओगे। और यहाँ पे आने के बाद इतने बढ़िया जगह मिलती है, लेकिन हाँ कवर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक जब यूज करना जब आपका लास्ट जोन बने, मतलब जिस साइड एनिमी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाना। बस यहाँ पे आके मैंने 2 किल इधर कर लिए बैठे बैठे, टोटल 3 किल हो चुके हैं। और यही वाली ट्रिक से नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। देखो मैंने पोर्टल लगाया, यही वाले क्लिप से नेक्स्ट क्लिप की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 1 अपनी वर्क करने वाली है क्लॉकटर की साइड वाली हवेली पे। बस आपको एक मिनी लॉन्च पैड कहीं पे भी सेट कर देना, उसके बाद इस वाली हवेली के ऊपर आप सेट करके इधर आ जाओगे। तो आपको याद होगा कई बार यहाँ पर जोन बनता है, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा बन चुका है बीआर रैंक में जोन, एक को नॉक कर दिया। चलो इसको फिनिश करते हैं। अगर आपको बीआर रैंक की किसी और हिडन प्लेसेस देखनी हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, अगर आपको सीएस रैंक की हिडन प्लेसेस देखनी हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।